गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स एनालिसिस ऑफ 24th अगस्त। सो वी विल स्टार्ट। सो नाउ ओके, तो फ्रेंड्स वी विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट न्यूज़ ऑन द फर्स्ट पेज। सो बेसिकली वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन द लास्ट टू डेज ऑल्सो, दैट गवर्नमेंट इज हैव टू स्टेप इन टू बूस्ट द ग्रोथ बिकॉज द आवर कंट्री करेंटली द इकॉनमी इज फेसिंग स्लो डाउन। तो गवर्नमेंट हैज़ कम अप विथ सम प्लान्स ऑल्सो, बिकॉज अर्लियर वी सॉ टू डेज बैक की RBI गवर्नर ने बहुत सारी चीज़ें रिलैक्स करी थी। तो अब जो है, क्योंकि ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा करंट सिनारियो है, करंट अरेंजमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अरेंजमेंट जो हमारा है, उसमें बोथ फिनेंस मिनिस्टर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस जो है और एज वेल एज RBI, तो दोनों मिल के जो है वो ग्रोथ को एक स्टिमुलस प्रोवाइड करेगी अगर स्लो डाउन की तरफ इकॉनमी मूव कर रहा है। तो अब कल जो है फिनेंस मिनिस्टर ने अपनी तरफ से बहुत सारे स्टेप्स लेकर आई हैं जो कि ग्रोथ को बूस्ट करेगा। तो अगर उसकी बात करें तो स्टेप्स में जो पहला स्टेप है कि जो एक सरचार्ज इस साल इंट्रोड्यूस उन्होंने करा था, दैट इज़ ऑन द FPI इन्वेस्टर्स। ये एडिशनल सरचार्ज किया था, जो भी प्रॉफिट वो बना रहे थे FPI वाले, तो उनमें जो एडिशनल सरचार्ज इम्पोज किया गया था इस साल, तो उसको जो है वो अभी हटा दिया गया है। बट ये उसके लिए है जो कि ये सरचार्ज सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका 2 करोड़ से कम इंडिविजुअल अर्निंग है ईयरली। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा इंडिविजुअल अर्निंग है तो उनके लिए ये वाला रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है कि वायलेशन, अगर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर कॉरपोरेट फर्म वगैरह होती है उनको, जो एक सोसाइटी के लिए कुछ करना होता है अपने प्रॉफिट्स में से, तो वो उसका अगर वायलेशन हो रहा है तो उसे पहले क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर किया जाता था, लेकिन फिलहाल जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये रिलैक्सेशन दिया है कि इवन इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ CSR, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस एज ऑफ नाउ। उसके बाद गवर्नमेंट विल फ्रंट लोड 70,000 करोड़ ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये बजट का पार्ट था, लेकिन इसको एक बार में, एट वन टाइम ओनली गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइडेड कि एक बार में फ्रंट लोड करेगी कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक में 70,000 करोड़ रुपीज। तो ये इससे भी इन्वेस्टमेंट और ये प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो बैंक्स के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो वो फिर उसे लेंड करेंगे प्राइवेट सेक्टर को, तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली उससे बढ़ेगी। उसके बाद मोटर व्हीकल जो स्लो डाउन दिखा रहा है ग्रोथ में, मोटर व्हीकल सेक्टर जो है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस लेकर आया है कि गवर्नमेंट भी उसको खरीदना स्टार्ट करेगी, प्रोक्योर करेगी व्हीकल्स। साथ साथ 31 मार्च 2022 तक का जो व्हीकल खरीदा जाएगा वो भी 15% डेप्रिसिएशन के लिए एप्लीकेबल होंगे। ये एक्चुअली इनका जो ये मूव इस साल का बजट के टाइम पे दिया गया था कि मना किया गया था गवर्नमेंट को खरीदने से, बट अब उसे रिलैक्स कर दिया गया है। और जो रजिस्ट्रेशन फी इन्हेंस करने का जो प्रपोजल था उसको भी जून 2020 तक होल्ड कर दिया गया। ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ये मोटर व्हीकल जो भी ये है उसमें जो ग्रोथ नहीं देखी गई और बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया है इस सेक्टर में, तो उसको बूस्ट करने के लिए ये सारी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फिर बैंक्स जो हैं वो उन्होंने अनाउंस करा है मिनिस्टर फाइनेंस ने कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने रेपो रेट से जो लोन ऑफर करने लिंक करके जो लोन ऑफर करना है उसको इंक्रीज करने की बात कही है। तो चूंकि रेपो रेट बहुत कम किया गया है, अभी सबसे लोवेस्ट है पिछले 9 साल का, तो बैंक के जो रेट्स होंगे, लेंडिंग रेट्स, वो भी कम हो जाएंगे, तो इससे ज़्यादा लोग पैसे ले सकेंगे बैंक से और पैसे आएंगे, मतलब कि इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आपको इसके बारे में एक समझना है कि इन्फ्यूज़न जो पैसे आते हैं वो कैसे आते हैं, तो मैं यहाँ समझाऊँगा। जैसे कि मान लीजिए ये है RBI, ठीक है। अब RBI के पास पैसे, उसे कंट्रोल करना है कि पैसे कैसे बढ़ेंगे किसी इकॉनमी में या घटेंगे, तो क्या करेगा RBI, जो रेट्स होते हैं, जो बेंच मार्केट से इकॉनमी में, मैं डिटेल में बताऊँगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज़ रेपो रेट है, तो रेपो रेट सपोज पहले था 6%, तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर RBI से
ये जो रेपो रेट है ये आरबीआई से जो बैंक्स होती है वो पैसे लेती है, मतलब आरबीआई बैंक को जो पैसे लेंड करेगा वो रेपो रेट पे करता है, 6% इंटरेस्ट मतलब आरबीआई को बैंक्स को देना होगा। तो अगर ये जो है 6% से 5% कर देती है आरबीआई, तो मतलब बैंक को जो अब कम इंटरेस्ट देना हो रहा है आरबीआई को, तो जो बैंक होगी वो जो लोग हैं जो हम लोग हैं पीपल, तो इनको जो है वो फायदा मिलेगा, क्योंकि 1% बैंक जो आरबीआई को कम दे रही है, तो फिर लोगों को भी चीप लोन मिलेगा। तो चीप लोन मिलेगा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो मोर लोन्स में मिलेगा, मोर लोन्स मतलब कि मोर मनी, और मोर मनी मतलब आपको इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो बेसिकली ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ये सारी मूव की जा रही है, ताकि जो मनी सर्कुलेशन है इकोनॉमी में वो बढ़ सके, कैपिटल इन्फ्यूजन हो जितना से ज़्यादा हो सके। तो ये वो सारे मूव्स हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं कल। उसके बाद ये एक न्यूज़ है जो कल एनआरसी से रिलेटेड मैंने बताया था कि देर आर थ्री ऑर्गेनाइजेशन हु आर करेंटली डूइंग देयर ओन क्या कहते हैं कैलकुलेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरिनर्स। तो एक उसमें मैंने बताया था फॉरिनर्स ट्रिब्यूनल जो होती है, तो उसमें एक बीएसएफ ऑफिसर और उसकी वाइफ को जो है फॉरनर डिक्लेयर किया है एक फॉरन ट्रिब्यूनल ने। तो उसके बारे में एक एग्जाम्पल दिया है कि दे आर डिफेंडिंग बिकॉज दे आर सेइंग दैट दे हैव लैंड ऑल्सो रिसीव दैट डेटिंग टू 1923, बट स्टिल दे हैव बीन डिक्लेयर्ड अ फॉरिनर जस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ ड्रंकार्ड फीडबैक। तो एक शराबी के फीडबैक के ऊपर उनके ऊपर ये किया गया है। तो इसकी ये भी एक कॉन्ट्रोवर्सियल पॉइंट है, जो एनआरसी भी अभी फाइनल आएगी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिल सकती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है फिलहाल अभी हमारा इससे रिलेटेड। उसके बाद ये वाला न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे अगले आगे पेज में भी है, जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है ये नीति आयोग रिलीज करती है, तो इसके बारे में आगे भी पेज में दिया हुआ है, हम वहाँ पे उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कौन सा स्टेट टॉप किया, हाँ बट दिल्ली जो है वो लोवेस्ट है वो इसमें दिया हुआ है। उसके बाद आपको फर्स्ट एवर वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर काइंडनेस हैज़ बीन हेल्ड। तो ये पहला वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस काइंडनेस का हुआ है, और ये बेसिकली गांधी जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए हुआ है, और इसको कंडक्ट कराया है यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट MGIEP। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने इसको होस्ट कराया है, और आपको अगर इसके बारे में बताएं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए ज़्यादा, तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन जो कि बताएगा कि हाँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं बताता हूँ। सो अभी यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस 2018 यानी लास्ट ईयर पूछा गया था कि थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स, 10 मार्क्स क्वेश्चन ये यूपीएससी में लास्ट ईयर पूछा गया था। तो ये सारे जो आर्टिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या किया गया, कल जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये बताया गया दे प्रोवाइडेड यूथ विथ क्रिएटिव इफेक्टिव मेथड्स ऑफ एंगेजिंग एंड रियलाइजिंग द यूनाइटेड नेशन SDG। तो SDG के बारे में बात कर रहे हैं और साइट किसको कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी के एफर्ट्स को और उनके आइडियोलॉजी को। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर यही डाला गया था कि वॉट एवर गांधी थॉट एट दैट टाइम 70-80 ईयर्स बैक एक्चुअली इज रेलिवेंट इवन टूडे एंड एक्चुअली इट इज गोइंग टू प्ले अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द कमिंग फ्यूचर ऑल्सो। सो इसलिए इतना ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया भी था, तो उसका कोई लॉजिक भी होती है। तो अगर आप ये कोई आर्टिकल देख रहे हैं अगर इस तरह का कुछ, तो आप इनको इस क्वेश्चन में आराम से कोट कर सकते हैं कि हाँ इवन टुडे फॉर एग्जांपल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और भी बहुत सारे मैं इसमें आपको एग्जांपल कोट करूँ, तो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ SDG, तो एक यहाँ पे दिया हुआ है कि ये गांधी जी ने उस टाइम पे भी सोचा था, फिर नॉन वायलेंस को लेकर इससे बात की गई थी। उसके बाद अगर बात करें तो कॉटेज इंडस्ट्री हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर गोइंग फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी गांधी जी ने बात की थी। फिर उसके बाद से जो वासुदेव कुटुंबकम या फिर एवरी रिलीजन इज
सेम, हम सारे धर्म वाले एक दूसरे के भाई, भाईचारा हर धर्म में होना चाहिए। तो ये सारी जो भी गांधी जी की आइडियोलॉजी थी ये इवन आज भी बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड करती है। तो बेसिकली इसलिए ये क्वेश्चन भी था और इसलिए मैंने आज ये आर्टिकल ये हाईलाइट करा है। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फर्स्ट एवर वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द कॉमेमोरेशन ऑफ वॉट, तो 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, और किसने कराया था ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ बाई यूनेस्को MGIEP, इन्होंने कराया इसको। उसके बाद ये लोकल न्यूज़ है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपके लिए कि इम्पॉर्टेंट है कि आरफिड टैक्स जो है, बेसिकली दीज आर सम टैक्स, फास्ट टैग भी इसको बोलते हैं, ये वो सारे टैक्स है जो कि किसी व्हीकल के ऊपर आपको लगाना होता है। ये बेसिकली 2018 के 17 18 से स्टार्ट हुआ है ये। बेसिकली अभी फ़िलहाल ये दिल्ली में कॉमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री के लिए ये लास्ट डेडलाइन जो थी वो कल पास हो गई। तो इवन आज से अगर कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल दिल्ली में एंट्री करना चाहती है तो उसका आरफिड टैग लगा होना चाहिए व्हीकल पे, और अगर नहीं होगा तो पहले 3 हफ्ते उन्हें हेफ्टी फाइन देना होगा, और 3 हफ्ते के बाद टोटली दे विल बी बैंड फ्रॉम एंटरिंग द सिटी। बेसिकली आरफिड टैग्स आपको लाए इसलिए कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, क्योंकि अगर मान लीजिए ये टोल है, यहाँ पे ऐसे एक स्कैनर लगे हुए होते हैं और आपकी गाड़ी यहाँ पे आ रही है, इसमें अगर आरफिड टैग लगा हुआ है तो ये इसको स्कैन कर लेगा और आपको टोल पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा निकल के यहाँ से जा सकते हैं, पैसे आपके अकाउंट से अपने आप डिडक्ट हो जाएंगे। तो इससे आपको दो चीज़ें ये हो रही हैं सॉर्ट आउट। पहला तो जो चूँकि ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है तो आपका इसमें दो चीज़ों को टैकल कर सकती है गवर्नमेंट। पहला तो जो टोल पे बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है वो रोक सकते हैं आप, और दूसरा जो पॉल्यूशन लेवल होता है, बिकॉज जो इस प्रोविज़न में क्या है कि जो भी 10 साल पुरानी व्हीकल है उसके लिए ये टैग इशू नहीं किया जाएगा। तो जब ये टैग ही इशू नहीं किया जाएगा तो बेसिकली वो एंटर नहीं कर पाएंगे उस सिटी में, तो ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन भी कम होगा। तो ये डुअल चीज पर्पस को सर्व करता है ये आरफिड टैग। इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स। आप टोल पे जाते होंगे तो आपको दिखता होगा एक लेन, फास्ट टैग लेन, वो यही है, वो इसी आरफिड टैग्स को रीड करता है और आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। उसके बाद ये पंजाब की न्यूज़ है कि पैडी एकेज डिप्स इन पंजाब। तो इस साल जो राइस कल्टीवेशन है वो पंजाब में थोड़ा स्लो डाउन किया गया है वहाँ पे फार्मर्स ने, जो कि बेटर रिटर्न्स उतना नहीं हो रहा था उनको, तो राइस में सिर्फ बासमती राइस और कॉटन पे ज़्यादा फोकस किया है वहाँ पे, टू सो दैट दे गेट बेटर रिटर्न्स। और पंजाब बोर्ड एग्जाम जो है इन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर ये आए हैं कि जो 550th बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक का इस साल हम मनाएंगे, तो उसके लिए इन्होंने एक ऑफर दिया है, जो भी बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th में फेल हो गए थे, पास नहीं कर पाए, तो उन्हें एक मौका मिलेगा, दे विल गेट वन चांस टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, दिस टेस्ट, तो उनके लिए एक ऑफर है। नाउ दिस आर्टिकल इज रिलेटेड समवेयर टू स्किल डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव टेकन बाई द गवर्नमेंट्स। तो राजस्थान में जो ITIs होते हैं, नाउ राजस्थान ITIs आर टू बी मॉडर्नाइज फॉर स्किल एजुकेशन, सो बेसिकली दे आर मेकिंग इट अ एम्प्लॉयमेंट रेडी वर्क फोर्स, और ये तभी होगा जब दे आर इम्पार्टिंग स्किल एज वेल। तो वट दे आर डूइंग, दे आर डूइंग टू फैसिलिटेट देयर रोल इन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री बाई इवॉल्विंग एक्सपर्टीज इन डिफरेंट सेक्टर्स। इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, स्किल स्टडीज आर बीइंग प्रोमोटेड अमंग द ITI स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड देम बेटर एक्सपोजर, ताकि वो रेडी टू वर्क बिल्कुल निकले इस ITI के बाद, और साथ साथ जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद जब उनकी जॉब लगी तो दे आर एक्चुअली रेडी टू वर्क एट देयर पर्टिकुलर फील्ड्स। तो उसके लिए जो है मॉडर्नाइज किया जा रहा है स्किल एजुकेशन को ITIs में राजस्थान का। तो स्किल इंडिया इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो उसको लेकर भी आप इसको आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं। अच्छा, दो न्यू टी ब्रांड्स जो हैं स्मॉल ग्रोवर्स ने लॉन्च कराया, बोथ आर ऑर्गेनिक, इसलिए मैंने हाईलाइट करा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात बहुत चल रही है आजकल। तो असोमिया रेड एंड असोमिया ग्रीन, दिस टू आर हैंडमेड ऑर्गेनिक ब्रांड्स ऑफ टी। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछते हैं ब्रांड्स, सॉरी द वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो दे कैन आस्क दैट असोमिया रेड एंड असोमिया ग्रीन आर रिलेटेड टू विच, टी, कॉफी और रबर। सो यू जस्ट रिमेंबर दैट दीज आर टू टी ब्रांड बट बोथ आर ऑर्गेनिक। देन वी हैव
शिवसेना हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन टू फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट हाउ कैन 90 लाख फार्मर्स बी इन एलिजिबल फॉर क्रॉप इंश्योरेंस. दे आर टॉकिंग अबाउट दिस स्कीम दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. सो दे आर बेसिकली आस्किंग हाउ कम दीज मेनी फार्मर्स विल बी लेफ्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. तो कुछ क्राइटेरिया है इसकी स्कीम के अवेल करने की, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो मैं अभी आपको इस स्कीम के बारे में दिखाऊंगा. सो ये है वो पीएम फसल बीमा योजना स्कीम. तो इसमें अगर देखें तो बेसिकली यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रीमियम की बात की गई है. 2% यूनिफॉर्म प्रीमियम फॉर खरीफ क्रॉप्स और 1.5% फॉर रबी क्रॉप्स. उसके अलावा एक और स्लैब है दैट इज 5% प्रीमियम फॉर एनुअल कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उनके लिए. तो इतना जो प्रीमियम है ये फार्मर को देना होगा, बाकी रेस्ट जो है वो गवर्नमेंट्स देंगी, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट देंगी. पहले क्या था, कैप ऑन प्रीमियम रेट रिजल्टिंग इन लो क्लेम, जिसमें कैप था प्रीमियम रेट के ऊपर, कैप था कि गवर्नमेंट कितना दे सकती है. बट अभी क्या है, नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी इवन इफ बैलेंस प्रीमियम इज 50% विल बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट, 90% विल बी बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट. तो अब कोई कैप नहीं रखा गया है. तो कैप रिमूव नाउ, फार्मर्स विल गेट क्लेम अगेंस्ट फुल सम इंश्योर्ड विदाउट एनी डिडक्शन. टेक्नोलॉजी टू बी यूज इंटेंसिवली, टेक्नोलॉजी भी यूज किया जाएगा इसको. और इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं इसमें, जैसे कि आपको जो पुअर यील्ड्स होता है, मतलब कि उस सपोज उस सीजन में फार्मर्स आर नॉट गेटिंग प्रॉपर यील्ड बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर या फिर ड्रॉट कंडीशन और ऑल दोस थिंग, तो ये भी अब कवर हो रहा है. पहले ये नहीं होता था, क्रॉप यील्ड्स कवर नहीं होता था पहले किसी भी इंश्योरेंस स्कीम में. और बेसिकली आज मैंने, क्योंकि न्यूज़पेपर में दिया था तो मैंने छोटा सा एक फ़ोटो इसका आपको दिखाया है. बेसिकली और एवरी संडेज, यानी कि कल भी एवरी संडेज आई विल बी कवरिंग सम स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट. तो कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स को हम कवर करेंगे हर आपको संडे को. कल भी हम कुछ स्कीम गवर्नमेंट की कवर करेंगे. तो संडेज आर फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स. तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स टुमारो. तो उसमें हम कुछ स्कीम देखेंगे, उसमें ये सारे स्कीम्स एक ना एक वीक में कवर हो ही जाएंगी सारी स्कीम्स बिफोर योर एग्जामिनेशन. उसके बाद फ्रेंड्स, दिस इज अ स्मॉल न्यूज दैट इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क गेट्स एशियाटिक लायंस. सो इंदिरा गांधी जो कि जूलॉजिकल पार्क जो है वहाँ पे सकरबाग जो जूनागढ़ गुजरात में है, वहाँ से एशियाटिक लायंस लाए गए हैं एज अ पार्ट ऑफ एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम. तो ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये आंध्रा में है और गुजरात से यहाँ पे एशियाटिक लायन ट्रांसफर किए गए एज अ पार्ट ऑफ एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है मैं बता दूँ कि जो ये एक जू से दूसरे जू कोई भी एनिमल को जाना होता है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड किसके अंदर, यानी नेशनल जूलॉजिकल अथॉरिटी, ये जो है ये फाइनलाइज करती है कि किस नेशनल पार्क से किस नेशनल पार्क जो है वो एनिमल्स का ट्रांसफ़र होगा. उनका वो हाइस्ट बॉडी, डिसीजन मेकिंग बॉडी है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनिमल फ्रॉम वन जू टू अनदर, नेशनल जूलॉजिकल अथॉरिटी. तो इसके बारे में बात कर रहा था मैं कि जो वाटर कंपोजिट इंडेक्स है जो नीति आयोग ने रिलीज किया है, तो आपके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ये कि आपको रिलीज्ड बाय किसने रिलीज किया ये पूछ सकते हैं, वो प्री में नीति आयोग ने रिलीज किया है. ठीक है, गुजरात फर्स्ट रैंक पे हैं, दिल्ली लास्ट. तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई. उसके बाद टोटल 9 इंडिकेटर्स हैं. पूरे 9 इंडिकेटर्स का नाम तो आपसे नहीं पूछेंगे वो लोग, बट नाम आपको नंबर पता होना चाहिए कि 9 इंडिकेटर्स होते हैं. मैं बताता हूँ 9 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं इस इंडेक्स में. तो ये इंडिकेटर्स हैं, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर रेस्टोरेशन, इम्प्लीमेंटिंग मेजर एंड मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, वाटर सेट डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी इरीगेशन मैनेजमेंट, ऑन फार्म वाटर यूज, रूरल एंड अर्बन वाटर सप्लाई एंड पॉलिसी एंड गवर्नेंस. तो ये 9 इंडिकेटर्स हैं, इनको फर्दर 28 ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स में बांटा जाता है. तो इन सब के असेसमेंट करने के बाद रैंकिंग निकालते हैं. तो उसमें
गुजरात पिछले साल भी टॉप पे था, इस साल भी टॉप पे है, दो उसका एक पॉइंट कम हुआ है, नाउ इट हैज़ गॉट 75 out of 100, बट लास्ट जो है वो दिल्ली है। तो ये इसके बारे में आपको जानना है, एंड 13 स्टेट्स एंड यूटीज हैव इम्प्रूव देयर प्रैक्टिसेस। उसके बाद एडिटोरियल पेज पे ये जो आपको न्यू स्टार्ट इन 2021, बेसिकली दो ट्रीटी की इस एडिटोरियल में बात की गई है। पहला ट्रीटी जो था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, INF ट्रीटी, ये 87 में साइन हुआ था और इसने 1991 तक अपना टारगेट अचीव किया था। बेसिकली दिस वाज एन एग्रीमेंट दैट ऑब्लाइज्ड बोथ द कंट्रीज, दैट इज USSR, रशिया और USA, टू एलिमिनेट ऑल ग्राउंड बेस्ड, तो ये इंपॉर्टेंट रखना है, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स ऑफ रेंजेस बिटवीन 500 किलोमीटर एंड 5500 किलोमीटर। तो सिर्फ ग्राउंड बेस्ड को ये बैन करती थी ये ट्रीटी, बट बेसिकली लास्ट ईयर इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। पहले रशिया ने, US ने क्लेम करा कि रशिया इज नॉट फॉलोइंग दिस ट्रीटी, देन रशिया ऑल्सो रिस्पॉन्डेड एंड सेड दैट US इज नॉट डूइंग इट्स पार्ट, एंड फाइनली इन ऑगस्ट USA withdrew फ्रॉम दिस ट्रीटी। तो ये एक ट्रीटी थी, और दूसरी ट्रीटी 2010 में हुई थी, दैट इज न्यू स्टार्ट, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये 2010 में साइन हुई थी, एंड इट इज गोइंग टू लैप्स इन 2021, बट इट हैड द प्रोविजन टू गेट एक्सटेंशन ऑफ 5 years, बट सिंस लुकिंग एट द करेंट सर्कमस्टांसेस एंड ऑल्सो व्हाट मिस्टर ट्रंप सेड दैट इट लेबल्ड दैट ट्रीटी एज अ बैड डील नेगोशिएटेड इन बाय द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, सो द फ्यूचर ऑफ दिस ट्रीटी इज ऑल्सो इन डार्क, एंड दैट्स वाई दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस बोथ ट्रीटीज। नाउ This is an article by a Chinese ambassador to India, and he has explained his experience of a particular city, Dunhuang City, which has been a witness to multiple interaction and mutual learning between China and India. तो ये एक बहुत ही cultural value hold करने वाला एक place है। तो इसके बारे में बताया गया कि ये इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारी mutual learning और multiple interaction का एक center रह चुका है। तो ये एक India-China cooperation में हम इसको quote कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। इंडिया भी बहुत हिस्टोरिकली बहुत ही साउंड प्लेस से प्लेस में माना जाता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे यहाँ पे थी, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो ये भी जो सिटी है, ये क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ओरिएंटल एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। यहाँ पे दोनों तरह की सिविलाइजेशन का एक कन्वर्जेंस कहा जा सकता है। एंड ऑल्सो चाइनीज प्रेसिडेंट हैज सेड दैट इट इज एन इम्पॉर्टेंट हब वेयर ओरिएंटल कल्चर मेड द वेस्टर्न कल्चर in history and different cultures met and mingled here, shaping the unique charm of this culture. So, culture, ethnicity और cultural जो practices है उसके लिए बहुत important ही ये place है। अब basically हमारे लिए important होता है कि जैसे कि मैंने कल भी एक location discuss करी थी, but मैंने उसका आपको map पे नहीं बताया था। तो basically हमारे लिए कोई भी place ये तो पता होना चाहिए China में है, but ये China में किस area में और किधर located है China में के map में, वो भी हमारे लिए important है, because world geography या locational geography के questions में ये पूछ सकता है। तो मैंने इसका एक map यहाँ पे download करा है। तो this is the Dunhuang province and you can see Nepal, India। तो ये वाला province Dunhuang है, तो Mongolia से भी इसको इसका bordering है, और अगर आप देखें ठीक से तो ज़्यादा दूर इंडिया से भी नहीं है। ये प्रोविंस के बाद दुनहुआंग प्रोविंस यहाँ पे आता है। तो ये वाले प्रोविंस की हम बात कर रहे हैं जो न्यू एडिटोरियल में है, तो आप इसके लोकेशन को देख के दिमाग में फ्रेम कर सकते हैं कि अगर इससे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत ना हो। उसके बाद ये केरला के बारे में है, जो वहाँ की लैंडस्लाइड्स मैंने उस दिन ही बताया था, अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ केरला मॉडल। तो उसमें ये क्वेश्चन उठ रहा है अभी, दे आर आस्किंग वन क्वेश्चन दैट वेदर ऑल द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरवेंशन, बिकॉज एक कस्तूरी रंगन पैनल कमेटी थी विच हैव डिक्लेयर ऑल द वेस्टर्न घाट, होल वेस्टर्न घाट एज एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, विच वॉज एक्चुअली अगेन देन डायल्यूटेड बाई द नेक्स्ट कमेटी दैट गार्डगिल। बट द थिंग इज दैट we are seeing some consequences, like we have seen this continuous twice flood situation in Kerala last year also, this year also. So now their question is being arise that whether these areas should be actually free from human intervention, because ultimately the purpose is to protect people, and many people are dying just because of this landslides and flood.
तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड नाउ डेटा ऑल्सो सेज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी दैट 8% ऑफ केरला इज क्लासिफाइड एज अ क्रिटिकल जोन फॉर मास मूवमेंट्स फर्दर सिंस द 19th सेंचुरी ओवर 50% ऑफ लैंड विद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रास हैज बीन कन्वर्टेड टू मोनोकल्चर प्लांटेशन मतलब सिंगल क्रॉपिंग एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स दिस हैज मेड द टेरेन मच मोर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड तो ये प्रैक्टिसेस जो है वो अनसस्टेनेबल हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम केरला में पिछले 2 साल से देखी जा रही है लगातार और आगे भी देखी जा सकती है अगर हम लोग कोई भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले तो बोल रहे हैं कि जो नीड ऑफ द आवर वो ये है कि पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट कंडक्टेड बाय UNDP जो लास्ट ईयर फ्लड के बाद हुई थी एंड द ड्राफ्ट रीबिल्ड केरला रोड मैप हैव मेड इट क्लियर दैट करेंट लैंड यूज पैटर्न चेंजेस इन लैंड कवर ब्लॉकिंग ऑफ नेचुरल ड्रेन्स बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग मोनोक्रॉपिंग हैव ऑल एक्सर्वेटेड द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स And again, extreme rain events caused by climate change and inadequate early warning measures have made matters worse. Since it involves too many players, a multi-sectoral approach is being envisaged to formulate a comprehensive land use policy. तो चूंकि बहुत सारे stakeholders हैं, तो एक multi-sectoral approach जो होगा, उसके लिए वही formulate करना होगा इसको tackle करने के लिए. वो इस editorial में कही गई है. फिर ये न्यूज़ जो मैंने बोला था कि मैं आज डिस्कस करूँगा सॉरी कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रुप जो कि उसका एक ग्रुप है एशिया पैसिफिक ग्रुप नाम से दे हैव ब्लैकलिस्टेड पाकिस्तान और यू कैन से दे हैव प्लेस देम ऑन द लोएस्ट रंग फॉर द नॉन कंप्लायंस एंड नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ सेफगार्ड्स अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग तो ये बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या ये मैं अभी आपको बताता हूँ फिर आप समझ जाएंगे कि ये क्या मूव है तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो एफिलिएट इसका एशिया पैसिफिक ग्रुप है इसने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में प्लेस करा है तो व्हाई पाकिस्तान वाज प्लेस बिकॉज इट वाज नॉन कंप्लायंट इन 32 ऑफ द 40 कंप्लायंस पैरामीटर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग एंड पाकिस्तान वाज लो इन 10 ऑफ द 11 इनफेक्टिवनेस पैरामीटर्स इसका बैकग्राउंड ये है कि FATF ने लास्ट जून में इस पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था व्हाट इज ग्रे लिस्ट अभी मैं बताता हूँ तो ग्रे लिस्ट क्या होता है FATF जो है वो दो तरह की लिस्ट मेंटेन करता है दोज दैट हैव डेफिशिएंसीज इन देयर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फंड रिजीम्स बट दे कमिट टू एन एक्शन प्लान टू एड्रेस दीज लूप होल्स एंड दोज दैट डू नॉट एंड अप डूइंग इनफ तो दो तरह के होते हैं ये दोनों में डेफिशिएंसी है उनके पास बट वन इज कमिटिंग टू एन एक्शन प्लान टू एड्रेस दिस लूप होल सो वो ग्रे लिस्ट में आएंगे एंड द अदर दैट डू नॉट एंड अप डूइंग इनफ वो ब्लैक लिस्ट में आते हैं तो वंस अ कंट्री इज ब्लैक लिस्टेड तो ग्रे लिस्ट में लास्ट ईयर FATF ने डाला था और अभी एशिया पैसिफिक ग्रुप ने इसे ब्लैक लिस्ट में डाला है एंड दे आर नाउ गोइंग टू फॉरवर्ड दिस आर्ग्यूमेंट टू द एनुअल FATF मीटिंग गोइंग टू हेल्ड इन अक्टूबर वहां पर डिसाइड होगा फाइनली पाकिस्तान के स्टेटस पे तो वंस अ कंट्री इज ब्लैकलिस्टेड FATF कॉल्स ऑन अदर कंट्रीज टू अप्लाई इनहेंस ड्यू डिलीजेंस एंड काउंटर मेजर्स इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि बेसिकली एक तरह का सैंक्शन उस कंट्री पे लगेगा ताकि वो लोग इस चीज को रियलाइज कर सकें एंड दे स्टार्ट मेकिंग रिफॉर्म्स इन दिस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिस्ट फंडिंग थिंग्स तो करेंटली ओनली 2 कंट्रीज आर इन ब्लैकलिस्ट फ्रॉम FATF दैट इज ईरान एंड नॉर्थ कोरिया एंड 7 ऑन ग्रे लिस्ट दैट इज पाकिस्तान श्रीलंका सीरिया येमेन एंड अदर 3 एंड APG के बारे में अगर बात करें तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग इज बेसिकली अ वन ऑफ द रीजनल एफिलिएट्स ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऐसे 8 हैं टोटल 7 और हैं इस तरह के एंड इसके 41 मेंबर्स हैं जिसमें कि 11 कंट्रीज आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ हेड जो मेन FATF है जैसे कि इंडिया चाइना ऑस्ट्रेलिया कैनेडा हांगकॉन्ग जापान कोरिया मलेशिया न्यूजीलैंड सिंगापुर एंड US तो ये था FATF के बारे में बेसिकली और इसके बारे में अगर जानना है आपको तो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी इस्टेब्लिश इन 1989 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 तो ये इंपॉर्टेंट है कि G7 की इनिशिएटिव में ये बना था इट इज़ अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी विच वर्क्स टू जनरेट द नेसेसरी पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग अबाउट नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी फ्रेम रिफॉर्म्स इन वेरियस एरियाज इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो सेम OECD के हेडक्वार्टर्स पेरिस में बेस्ड है तो मनी लॉन्ड्रिंग एंटी टेरर फाइनेंसिंग इन सब को कर्व करने के लिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है तो देखा आपने फिर ये FATF के बारे में था अब आगे बढ़ते हैं
तो फ्रेंड्स आज का आर्टिकल जो था वो इतना ही इम्पोर्टेंट था, मैंने जितना आपको बताया ये हाईलाइट कर दिया। ये जो आपको बिजनेस सेक्टर में ये वो सारी मूव्स को इन्होंने अलग अलग एक्सप्लेन किया है, जो कि फर्स्ट पेज पे मैंने ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर के जो स्टेप्स हैं उसको डिस्कस करा है, उसको इन्होंने अलग अलग एक्सप्लेन करा है। तो इनको फिर डिटेल में मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सो ये सारी चीज़ वही इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जो मेजर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिए हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो आज के एडिटोरियल में इतना ही कुछ है इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको सब बता दिया। ये फॉरेस्ट में जो फायर, अमेजोन के फॉरेस्ट में फायर, इसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, ये पिछले 3 हफ्तों से दे आर कंटिन्यूसली बर्निंग। तो इसको लेकर जो यूरोपियन यूनियन है दे आर डीपली वरीड एंड मेनी आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग ब्राज़ील कि उनका जो क्या कंजर्वेशन एक्चुअली दे आर, हाउ दे आर प्लानिंग टू कंजर्व दिस, बिकॉज इट्स बीन 3 वीक्स एंड दे आर कंटिन्यूसली बर्निंग। सो एवरी वन इज क्वेश्चनिंग ब्राज़ील्स गवर्नेंस एंड ब्राज़ील्स पॉलिसी डिसीजंस। देन सारे आर्टिकल्स आज के हो गए, आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल दोज इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स प्लस आर्टिकल्स फ्रॉम द टुडे। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ टूडेज। सो आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है, विच कोर्ट हैज अग्रीड टू एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ न्यू ट्रिपल तलाक लॉ। तो मैं अभी क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको, आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिए जाएंगे, इसके भी लास्ट में आंसर्स हैं, बट चलिए मैं आंसर भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर होगा। फिर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन स्ट्रक्चर्स फीचर्ड इन टाइम्स 2019 लिस्ट ऑफ 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। नाउ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हैज गॉट दैट पोजिशन। नाउ हु विल बी रिप्लेसिंग संजय बांगर एज इंडियाज न्यू बैटिंग कोच। नाउ इट्स हिज नेम इज विक्रम राठौर। विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेस पाकिस्तान, यू नो दैट। वट इज द नेम ऑफ न्यू एंड्रॉयड वर्जन लॉन्च बाई गूगल, दैट इज एंड्रॉयड 10। वाई दिस वॉज इन न्यूज, बिकॉज अल्टीमेट ओरिजिनली वट द वॉज द पैटर्न दैट एंड गूगल यूज टू नेम द वर्जन ऑफ एंड्रॉयड ऑन अ कंटिन्यूअस अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द लास्ट वन वॉज पाई, सो एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग दैट इट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू, द लेटर क्यू, बट नो, दे हैव चेंज फ्रॉम द ट्रेंड एंड दे हैव नेम्ड इट एंड्रॉयड 10 ओनली। देन डिफेंस सेक्रेटरी कौन बना था, ये मैंने परसों आपको बताया था। देन विच मिनिस्ट्री लॉन्च सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैव लॉन्च दिस। देन यूनियन पावर मिनिस्टर आर के सिंह हैव रिसेंटली अप्रूव्ड ओशियन एनर्जी एज अ रिन्यूएबल एनर्जी। एंड विच नेशन हैज अनवील्ड अ डोमेस्टिकली बिल्ट बवार 373, दैट इज आपको क्या कहते हैं उसको, ईरान। और लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच नेशन हैज लॉन्च द रॉकेट, ये कल मैंने आपको डिस्कस करा था, दैट इज रशिया। तो ये आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गया, ये मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूंगा, ये मैप भी डाल दूंगा और ये भी डाल दूंगा। कल के बारे में मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारा वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुका है बेसिकली। तो आपको जो भी चीज़ हमारी जो भी चीज़ वीडियो लेक्चर्स होती है या फिर हमारे जो भी पोस्ट होते हैं टेलीग्राम के, वो सब कुछ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट है, तो इसमें आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप कैटेगरीज में देख सकते हैं जो डेली करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे अभी 2 हैं, बट अपडेट में अभी थोड़ी देर में करके इसको आज वाला भी अपडेट करूँगा। फिर जो ये लेक्चर्स हैं तो डेली न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स एनालिसिस, ये मैं आज वाला भी अपडेट कर दूंगा। ज्योग्राफी के लेक्चर्स के वीडियोस यहाँ पे हैं। फिर उसके अलावा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यूपीएससी, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। और वीकली ऐसे भी मैं डालूंगा, तो 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2 ऐसे इसमें मैंने डाला है। और इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स के भी यहाँ पे वीडियोस हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जाके सारा कुछ देख सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यूपीएससी होगा, इसमें मैं हर रोज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डालूंगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स से, जैसे ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके बारे में मैंने सब कुछ डाला हुआ है। सेकंड जो मैंने डाला था ये भी पॉलिटी का है, सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, ये सब पॉलिटी में आप डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको ये एक आइडिया देने के लिए मैं रोज एक कॉन्सेप्ट डालूंगा, ताकि आप थोड़ा उसके बारे में अवेयर रहें। साथ साथ वीकली ऐसे में मैंने 2 ऐसे अभी तक डाले हैं। एक ऐसे है जो पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया द नीड ऑफ द आवर, ये पुलिस रिफॉर्म इंडिया में जो है उसकी ज़रूरत अभी इंडिया में है, तो उसके बारे में। और सेकेंड ऐसे भी मैंने डाला है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो आप इसको खोल के ये देख सकते हैं कि जो ऐसे होगा वो कैसे हम लिखेंगे, एग्जामिनेशन में कैसे स्टार्ट करेंगे ऐसे,
तो ये सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और ये रोज़ अपडेट होगी, सारा कुछ आपको इस जगह पे मिल जाएगा। आप अगर इसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल के फॉलो कर सकते हैं इस ब्लॉग को, एंड यू विल गेट ऑल द अपडेट्स वेन एवर वी आई पोस्ट और वी पोस्ट एनीथिंग, यू विल बी नोटिफाइड एंड यू कैन एक्सेस दैट। तो ये हमारी इनिशिएटिव थी, वेबसाइट भी हमने बनाया है, मैं वेबसाइट का भी लिंक अभी आपके सामने टेलीग्राम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, कल के लिए जो हम अगर बात करें, कल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, तो टुमारो हम कल क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो कल हम कोई भी एनी टू गवर्नमेंट स्कीम और साथ साथ वही न्यूज़ डेली न्यूज़पेपर एंड करेंट अफेयर्स एनालिसिस जो हम रोज करते हैं, ये तो कल का ये टॉपिक है। जो दो गवर्नमेंट स्कीम कोई भी मैं डिसाइड करूँगा वो आपको सुबह बता दूंगा चैनल टेलीग्राम चैनल पे कौन सा डिस्कशन होगा और न्यूज़ हम कवर करेंगे, तो ये कल का हमारा लेक्चर होगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड नाइट, बाय बाय।